वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते। तकदीर तो उनकी भी होती है मेरे यार, जिनके हाथ नहीं होते। जी हाँ बिल्कुल, आपको भी हताश और निराश नहीं होना है। आपकी ये कंपटीशन की मैथ की क्लास आप जानते हैं रात्रि 8 बजे से होती है, जो कि इस समय आप देख रहे हैं मास्टर क्लास, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आपको बिल्कुल हताश निराश नहीं होना है। चाहे आप SSC की परीक्षा देने वाले हैं, CTET की, UPTET, RRB, पुलिस, जेल वार्डन या कोई भी अन्य वनडे एग्जाम, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि सभी परीक्षाओं में आती हैं और उनको हम कवर करते हैं रात्रि के 8 बजे से। जैसे आप देखते हैं, मैंने आपको कई बार एग्जाम्पल बताया कि एक चाकू है लोहे की, तो चाहे उसे आप सेब काटिए, चाहे सब्जी काटिए, चाहे घास काटिए, कुछ भी काटिए, उसे सब कुछ कटेगा ना। तो वैसे ये क्लास होती है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए। देखिए, हम लोग इस समय देख रहे हैं ट्रिक, जो कि स्पेशली आपकी सभी परीक्षाओं में कोई भी क्वेश्चन 20 से 30 सेकंड के अंदर हल करें कैसे, उनके बारे में। जो कि सवाल तो बहुत बड़े होते हैं, पूरे एक पेज के होते हैं, आप एग्जाम में देखते होंगे, आपकी कॉपी में आधे आधे मतलब पेपर में भरे होते हैं। जैसे आपका पेपर मिलता है बड़ा सा, उसमें आधा ज्यादा क्वेश्चन से भरा होता है, मतलब एक ही सवाल इतना बड़ा होता है। लेकिन सवाल बड़ा होता है और उसको हल करने में बहुत आसानी होती है। कैसे, देखिए, जब इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जाए, टाइप देखिए, ये ट्रिक नंबर सेकंड पे होगा। यदि यन व्यक्तियों की औसत आयु में एक्स वर्ष की वृद्धि या कमी कर दी जाए, ध्यान से समझिएगा, यन व्यक्तियों की औसत आयु में यक्ष वर्ष की वृद्धि या कमी कर दी जाए, और मतलब समझिएगा, कमी कर दी जाए, कमी हो जाती है जब इनमें से एक व्यक्ति जिसकी आयु वाई वर्ष है के स्थान पर किसी एक नए व्यक्ति को लाया जाता है, तो नए व्यक्ति की औसत आयु क्या होगी। मतलब नहीं समझ पाए होंगे, इसमें हमें नए व्यक्ति की औसत आयु निकालना होता है इस तरह के सवालों में। और कहता क्या है सवाल में, कहता है कि यदि यन व्यक्तियों के औसत आयु में यक्ष वर्ष की वृद्धि या कमी हो जाए, मतलब यन मतलब कुछ भी अभी रख के आपको दिखाएंगे सवाल करके, ध्यान से पहले टाइप समझिएगा। यन व्यक्तियों की औसत आयु में जो है यक्ष वर्ष की वृद्धि या कमी हो जाती है, लेकिन कब हो जाती है, जब इनमें से कोई एक व्यक्ति जिसकी आयु वाई वर्ष है उसको हटा करके उसके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति लाया जाता है जिसकी औसत आयु कुछ होती है। तो फिर कहा जाता है कि उस जो नया व्यक्ति है जिसकी औसत आयु कुछ होती है, मतलब मैंने बताया उसकी औसत आयु है क्या रियल में, ये निकालना होता है। देखिए सवाल बना के आपको दिखाते हैं, जैसा कि इसमें बुक में एक सवाल आपके पास में है। देखिए, जहां पर यन व्यक्तियों की बात हो रही है ना, अब मैं इसी को सवाल बना दे रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, यही क्वेश्चन बन गया आपका। देखिए, यहां पर यन लिखा था ना, यहां आप लिख लीजिए फटाफट, सभी लोग लिख लीजिए। जैसे कि मैंने यहां रख दिया, चलिए 10, कल लेकिन 10 मैंने रखा था ना, सवाल बनाया था, 10 मत रखिए। अब आप सोच रहे होंगे ये सोच सोच के क्यों रखते हैं, क्योंकि मैं सवाल बनाता हूँ उस टाइप का, कहीं से लिखा लिखा है नहीं लिखता हूँ। देखिए, टाइप होना चाहिए बस, ये जरूरी नहीं कि आपके पेपर में किसी विशेष बुक से आएगा। आपको टाइप समझना है किस टाइप का आता है और आपको तरीका समझना है। तो 15 व्यक्तियों की औसत आयु में 2 वर्ष की क्या हो जाती है, यहाँ वृद्धि या कमी दोनों में से एक हटा देते हैं, मतलब क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। देखिए आधा सवाल बन गया, 15 व्यक्तियों की औसत आयु में क्या होता है, 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब इनमें से एक व्यक्ति जिसकी आयु कितने वर्ष है, वाई वर्ष नहीं, ये 50, जिसकी आयु 50 वर्ष है के स्थान पर एक नए व्यक्ति को लाया जाता है, तो नए व्यक्ति की औसत आयु क्या होगी, जल्दी से बताइए क्या होगी। ट्रिक आपके सामने है, ये मैंने आपको दे दिया है, ये ट्रिक है, y प्लस nx आपको लगाना है। औसत आयु बराबर नए व्यक्ति की जो औसत आयु होगी y प्लस nx के बराबर होगी। देखिए दोस्तों, आपकी क्लास जो है थोड़ा सा जल्दी जल्दी में हो रही समय, उसका कुछ रीजन है, जल्दी ही आपकी क्लास जो है वो एडजस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करेंगे, मैं आपको ऑप्शन दे दूं, क्वेश्चन नंबर देखिए, इसके ऑप्शन जो दिए गए हैं मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, ध्यान दीजिएगा, इसके ऑप्शन हो जाएंगे इस सवाल के अनुसार। हाँ देखिए 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 कितने हो जाएंगे, पहला ऑप्शन है इसमें 81 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 80 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 75 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 9 ऑफ दी। जल्दी से सभी लोग कमेंट करें फटाफट इसका आंसर क्या आएगा, आप बिल्कुल देर नहीं करना है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं आपको बताऊँ कैसे आएगा, देखिए गौर करिएगा, सिंपल सी बात है, y प्लस एन एक्स आपको लगाना है, क्योंकि वृद्धि हो रही है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है। अगर कमी होती तो आप माइनस वाला लगाते, तो क्या करेंगे, ट्रिक रख दीजिए, ये ट्रिक आप यहाँ रखिए ना, y प्लस एन एक्स, y की वैल्यू आप क्या रखेंगे, वो कौन जितनी उसकी जो आयु थी बड़ी वाली, जिसकी आयु कितनी थी 50 वर्ष, ये क्या होगा वाई की जगह हो जाएगा, प्लस एन एक्स, एन मतलब कितनी संख्या थी, 15 थी ना, 15, यक्स मतलब कितना वर्ष की वृद्धि या कमी हो रही थी, 2 वर्ष की, ये देखिए हो गया ना 50 धन 30,
80 वर्ष। आगे आंसर, इस तरह का आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। देखिए तो पहला सवाल था, बस आपको टाइप समझना है। अगर इस तरह का कहीं सवाल दिया गया है तो आप आसानी से कर सकते हैं। समझ गए होंगे, जल्दी से लाइक कर दें इस क्लास को और अपने दो चार मित्रों में अवश्य शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी ये महत्वपूर्ण ट्रिक मिल सके। हो सकता है उन्हें ये क्लास ना मिल रही हो, क्योंकि उन्होंने क्लास ज्वाइन नहीं किया होगा तो उन्हें नहीं मिल रही होगी, तो आप चाहें तो उन्हें दिखा सकते हैं। हो गया ना, आगे चलें। जल्दी से वीडियो को रोक लें इसी पर रोक करके लिख लीजिए। मैं आपको दूसरा सवाल दूंगा, उसका जवाब सबसे पहले कमेंट करेंगे, देखते हैं कौन कमेंट करता है। जी बिल्कुल, देखिए अभी आपके कमेंट्स जो है वो देखे नहीं जा रहे हैं, कुछ आपको रिप्लाई नहीं मिलता कमेंट में ना, इसकी वजह कुछ है, वो आपको बता दिया जाएगा। आप लोगों बस ध्यान दीजिएगा दूसरे सवाल पे, लेकिन टाइप और तरीका आप समझ जाते होंगे। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप व्हाट्सएप पे भेजिए, बिल्कुल निसंकोच भेजिए जो भी कंफ्यूजन है। अब चलिए इसी टाइप का दूसरा सवाल, आप लोग इसका जवाब देंगे। ये है 20 व्यक्तियों की औसत आयु में, यहाँ पे कह रहा कि 4 वर्ष की क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। जब इनमें से एक व्यक्ति जिसकी औसत आयु जो है वो क्या थी, 60 वर्ष थी। अब सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी से, आंसर आ गया होगा आप लोगों को, तो नए व्यक्ति की औसत आयु क्या होगी ये बताना है, ठीक है। 60 वर्ष के स्थान पर एक नए व्यक्ति को लाया जाता है तो नए व्यक्ति की औसत आयु क्या होगी, जल्दी से आप लोग फटाफट बताइए कितनी होगी। बहुत ज्यादा हो जाएगी उसकी औसत आयु ना। इसमें देखिए ऑप्शन आपके जो सामने है, पहला है 100 वर्ष। अब इससे मत घबराइएगा कि 100 के ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि लोग 100 से ज्यादा साल भी पहले जीते थे। जल्दी से कमेंट करें दूसरे सवाल का जवाब। देखिए टाइप समझिएगा, एक दिन में एक ही टाइप समझिएगा, लेकिन उसे कंटेस्ट कर लीजिएगा। अगर इस टाइप का सवाल है तो उसे कैसे करेंगे परीक्षा में, जिससे कि आप कर जाएं, क्योंकि टाइम तो सभी के पास उतना ही होता है ना, लेकिन बहुत से लोग क्वालिफाई हो जाते हैं, बहुत से लोग नहीं होते। उसका रीजन क्या होता है, आता तो सभी को है, लेकिन उसका रीजन आप लोग समझ गए होंगे कि वो सवालों को करने में ज्यादा टाइम लेते हैं। तो फार्मूला लगा दीजिए y प्लस या nx, क्योंकि वृद्धि की बात हो रही है, अगर कमी होता तो माइनस लगाते इस पे। तो y का वैल्यू क्या है, वो आयु जो थी 60, और प्लस n मतलब कितने की बात हो रही, 20 की, x मतलब 4 वर्ष की, तो ये हो जाएगा 60 धन 4 दुना 8, 60 में 80 जोड़ेंगे 140 वर्ष, कितना आएगा 140 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी सही है, जल्दी से छाप लीजिए, वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए, क्योंकि हमें देखते हैं इस समय 10 मिनट में 10 सवाल है ना, अगर आपको बताना ना रहे तो बहुत फास्ट आप लोग देख सकते हैं फटाफट, जल्दी करें। हो गया सभी का, चलें आगे बढ़े नेक्स्ट सवाल। देखिए इसी में हम सवाल बनाएंगे आपके सामने ही, आपकी थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा इस क्वेश्चन में और टाइप में, आप लोग जरा गौर फरमाइएगा। देखिए थोड़ा सा बदलाव होगा इसमें, ज्यादा नहीं, और काफी टाइम हो रहा है, आपकी क्लास 8 बजे आप तक पहुंचनी चाहिए। तो देखिए ठीक है, बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा इसी टाइप में। अब इसमें क्या कह रहा है, बहुत ज्यादा व्यक्ति थे ना, अब मैं कम कर देता हूँ 8 व्यक्ति, ठीक है। तीसरा सवाल, जल्दी से कमेंट करिएगा, ये टाइप बिल्कुल इतना इसको समझ लीजिए, एकदम पानी हो जाइए। 8 व्यक्तियों की औसत आयु में इसमें 2 वर्ष की वृद्धि नहीं, अब कमी कर दीजिए इसमें, देखते हैं किसका किसका क्या आता है। 8 वर्ष की औसत आयु में 2 वर्ष की कमी हो जाती है जब इनमें से एक व्यक्ति जिसकी औसत आयु 90 वर्ष, पूरा 90 वर्ष है, के स्थान पर एक नए व्यक्ति को लाया जाता है, तो उस नए व्यक्ति की औसत आयु क्या होगी, जल्दी से कमेंट करके बताएं। ऑप्शन में आपको दिखा रहा हूं कितने ऑप्शन हो सकते हैं इसमें से, तो आप लोग जल्दी से देखें। पहला ऑप्शन है 75 वर्ष, दूसरा 85 वर्ष, तीसरा कितना हो जाएगा 76 वर्ष, चौथा है 80 वर्ष। जल्दी से कमेंट करके बताइए, आपका तीसरा चौथा सवाल आ चुका है आपके सामने, फटाफट जवाब दीजिए। आपको जो यूज करना है वो ये नंबर यूज करना है, ये नंबर यूज करना है और ये नंबर यूज करना है, और जो ट्रिक यूज करना है वाई माइनस यानी एक्स यूज करना है, प्लस वाली नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कमी की बात हो रही है, अगर वृद्धि की बात होती तो प्लस लगाते हैं, कमी की बात होती तो माइनस लगाते हैं। जल्दी करें फटाफट, देर ना करें। हो गए सभी के जवाब जी, हो गए सभी के क्वेश्चन, हाँ जी जल्दी जल्दी से कमेंट करें, आपके जवाब जल्दी ही मिलना शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, आपके सभी जवाब मिलेंगे, एक एक मिलेंगे। चलें आगे,
देखिए इसमें माइनस है तो करना क्या है, फटाफट मान ही तो रख देना है इसी में बस ला करके। वाई मतलब जो आयु की बात हो रही थी 90 वर्ष, माइनस एन मतलब जितना संख्या थी व्यक्तियों की 8 थी, और एक्स का मतलब क्या, एक्स का मतलब कितने वर्ष की बात हो रही, 2 वर्ष की। तो ये हो जाएगा 90 माइनस 16, और 90 से आप 16 घटाएंगे आ जाएगा ये 4, 8 में से 74 वर्ष आ गया। कितना आ गया, 74 वर्ष आया ना। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, ऑल ऑप्शन गलत है, रॉन्ग है। इसमें एक ऑप्शन होगा नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। देखिए तरीका समझिए, उत्तर मिले या ना मिले, मैंने इसके ऑप्शन बनाए थे सोच करके, बट कोई ऑप्शन सही नहीं हुआ है ना। तरीका समझिए सवाल को करते कैसे हैं, बाकी सही हो रहा ऑप्शन या गलत हो रहा है इसके लिए कोई मतलब नहीं है। और हाँ, आज की क्लास जो है यहीं पर एंड होती है, बहुत छोटी क्लास थी, आपकी क्लास जल्दी ही पूरे एक घंटे की होने लगेगी, हमारी कोशिश यही है दिन रात, लेकिन कोई क्लास मिस ना हो इसलिए हम आपको क्लास देते जरूर हैं, चाहे वो थोड़ा ही टाइम के लिए हो। डीएलएड के लगभग कोर्स आपके पूरे हो गए इसलिए आपकी डीएलएड की क्लास नहीं हो रही है, जो चैप्टर अभी बचे हुए हैं जिन्होंने क्लास ज्वाइन किया हो सकता है उनका अभी अगर ना पूरा हुआ हो कोर्स तो वो लोग नंबर पर संपर्क करेंगे, उनको भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, जल्दी ही आपकी क्लास फिर से और भी स्टार्ट होंगी जो भी बची हुई है। कृपया अपना जो सपोर्ट है वो पीबीआर स्टडी के साथ बनाए रखें, इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और लाइक अवश्य कर दीजिएगा जिससे कि आपको अगली भी क्लास मिल सके। तो इन्हीं बातों के साथ आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।